तमाम कलीसिया को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ आज खुदावन के लिए जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में फिर आज का दिन लेके आया और हमें ज़िंदा की ज़मीन पे रखा। खुदावन का शुक्रगुजार है कि हम जब सुबह सवेरे उठते हैं, जब टीवी हम ऑन करते हैं, तो हमें सुनने को बहुत अच्छे ज़बूर मिलते हैं, गीत मिलते हैं, और ज़बूरों के वसीला से, गीतों के वसीला से हम बहुत बरकत पाते हैं। हमारा दिन, सारा दिन हमारे कानों में खुदावन की आवाज़ गूंजती है और हम बरकत पाते हैं। और मेरा ईमान है कि जो भी पीपीसी चैनल पर लोग टीवी पे देखते हैं, उनके लिए भी, सबके लिए मेरा ईमान है कि वो भी इसी तरह, जिस तरह हम बरकत पाते हैं, वो भी बरकत पाते होंगे। तो अगर कोई कलीसिया में बीमार है, खुदा उसको बड़ी बरकत दे, खुदा उसको सेहत तंदुरुस्ती सलामती दे। और मेरा दिल तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा है और उसका हर वादा हाँ के साथ है। तमाम नेमतों के लिए, तमाम बरकतों के लिए शुक्रगुजार हैं कि ख़ासकर पीपीसी चैनल के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि जिसके वसीला से हम बहुत बरकत पाते हैं। मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं सुबह उठना वा, मैं टीवी ऑन करना, तो जबूर लगे होंगे ने, खुदावंद मैं बड़ी बरकत देता। उस तो बाद मैं टीवी ला के, तो मैं सुबह अपने चर्च च जाना, चर्च च जा के दुआ करके फिर मैं आके शॉप अपनी खोलना वा, शॉप खोलना, तो उत्थे भी मैं टीवी रखिया वे, उत्थे भी मैं टीवी ऑन करना, पीपीसी चैनल चलता होंदा वे, ते उदे ते जबूर लगे होंदे ने, गीत लगे होंदे ने, मैं बड़ी बरकत पाना। सारा दिन जिहड़ा ना मेरी शॉप दे विच जिहड़ा ना पीपीसी चैनल ही चलता रहिंदा, गीत जबूर, असी बड़ी बरकत पाने। खुदावंद और सब को बरकत देवे, ते इसी तरह खुदावंद इस चैनल को बुलंदियां ते लेके जावे और तरक्की देवे। खुदावंद इहनू तारक शाकर नू और बरकत देवे, और मेरी आवाज़ को जो भैन भरा सुनते ने, तारक शाकर वास्ते जिहड़ा ना दुआ करो, और पीपीसी चैनल वास्ते भी दुआ करो। इनू हदिया इनू हदिया दो और बरकत देवे, ये चैनल दिन ब दिन और तरक्की करे। हाँ जी, मेरी तरफ से जो जो मुझे बहन भाई देख रहे हैं, बुज़ुर्ग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि खुदावंद के लिए अपना दिल खोलें, खुदावंद के लिए आपके अपनी मुट्ठी खोलें, और खुदावंद आपके लिए आसमान खोलेगा। अगर हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, तो खुदावंद भी हमारे साथ वफादार रहता है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे बड़ी नेमतों से, बरकतों से नवाजा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने मेरी बेटी को बेटे जैसी मुराद बख्शी दी। तो मैं इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मैंने खुदावंद के आगे रखा, मैंने खुदावंद के आगे दुआ की कि खुदावंद तो मेरी बेटी को बेटे जैसी मुराद देना। और मैं इस बात, मैं इस गुड न्यूज़ को अपने कानों से सुनूं, तो खुदावंद ने ऐसे ही मुहैया किया कि मेरे कानों ने गुड न्यूज़ की आवाज़ को सुना। तो अगर हम सच्चे दिल से खुदावंद के हुजूर झुकें, खुदावंद से मांगें सच्चे दिल से, तो खुदावंद ज़रूर मुहैया करता है। अगर कोई बहन भाई, कोई बीमार है, कोई परेशानी है, तो आपकी ज़िंदगी में, तो खुदावंद के यसु नाम से वो परेशानी है, मुश्किलें जाती रहें। कदूस कदूस मेहरबान आसमानी पिता, ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, खुदा बाप मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप आज इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदा बाप तू आज शाम हमारे दरमियान उतरा है। खुदा बाप, खुदा बाप मैं तेरी एक एक नेमत के लिए, एक एक बरकत के लिए शुक्रगुजार हूँ। खुदा बाप मेरा दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरा है और आपका हर वादा हाँ के साथ है। खुदा बाप आप मेरे छुपने की जगह, आप मेरी
आप मेरे यहोवा यरिया खुदा बाप मुहैया करने वाला बाप है खुदा बाप, मैं शुक्र गुजार हूँ खुदा बाप तेरी नेमत तेरी बरकत के लिए खुदा बाप तेरा शुक्र हो खुदा बाप। जितने बहन भाई मुझे देख रहे हैं मेरी दुआ को सुन रहे हैं खुदा बाप, इस दुआ के वसीला से खुदा बाप उनके जूहे टूटे उनके बंधन टूटे खुदा बाप, तेरे कलाम के वसीला से हर बंधन टूटता है हर जूहा टूटता है खुदा बाप, क्योंकि बीमारी है खुदा बाप परेशानी है और खुदा बाप तेरे यीशु नाम से जाए खुदा बाप, तो अपने पाक रूह से रूल कुदस से भर देना खुदा बाप तेरा ऐ खुदा बाप, तू हमारी मदद करने वाला बाप है, तू हमारी हिफाजत करने वाला बाप है खुदा बाप, ऐ खुदा बाप हमने नहीं चुना तूने बल्कि तूने हमें चुन लिया है खुदा बाप, मैं शुक्र गुजार हूँ खुदा जब तेरा दिन आ रहे हैं क्रिसमस के नज़दीक आ रहे हैं तो खुदा बाप तो हमें अपने आप को अभी से तेरे हजूर पेश करते हैं खुदा बाप, तो हमें अपनी रहमतों से अपनी बरकतों से नवाजना खुदा बाप, ताकि हम दिल खोल के तेरे हजूर तेरे नाम को इज्जत तेरे नाम को जलाल देने वाले बने खुदा बाप, तो हमारी मदद करना हिफाजत करना खुदा बाप, जो कुछ भी मांगा पाया तेरे जिंदा जलाली मीठे मुकद्दस नाम से आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिससे हम अपने कर्ज को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा है आमीन। मेरे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक होती रहे आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, तो आप देखते रहे पीपीसी चैनल, पीपीसी चैनल आपका अपना चैनल। चैनल आपका अपना चैनल।